नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 जून दिन सोमवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ये हो सकता है विपक्षी दलों के मोर्चे का नाम। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर के जरिए केजरीवाल को बताया पीएम उम्मीदवार। किशनगंज पुल मामले को लेकर जदयू नेता ने भाजपा नेताओं पर उठाए सवाल। पटना आए विपक्षी नेताओं पर इस वजह से हुई कार्रवाई की मांग। बीजेपी नेता ने सीएम नीतीश को लेकर दिए विवाद बयान। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। ये हो सकता है विपक्षी दलों के मोर्चे का नाम। पटना में विपक्षी एकता की बैठक अब समाप्त हो चुकी है। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक अब आगामी महीने में शिमला में होने वाली है। इसी बीच अब यह जानकारी सामने आई है कि विपक्षी दलों के मोर्चे का नाम अब पीडीए यानी पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। हालांकि अभी इस नाम पर अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। उम्मीद है कि अगले महीने शिमला में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में नाम को लेकर भी फैसला ले लिया जाए। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सीपीआई महासचिव डी राजा ने पटना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों के मोर्चे के नाम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीडीए को शिमला बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा, जहां विपक्षी नेताओं की अगले स्तर की चर्चा 10-12 जुलाई के बीच होगी। पीएम मोदी के मिस्र मस्जिद दौरे को लेकर विपक्ष ने कसा तंज। अमेरिका दौरा पूरा करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र दौरे पर जा चुके हैं। मिस्र जाने के बाद वे बीते ही दिनों अल हकीम मस्जिद भ्रमण पर भी गए। इसे लेकर विपक्षी दल लगातार हमलावर है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट के जरिए लिखा है कि मिस्र में मोदी जी मस्जिद में, वाह मोदी जी वाह, कैड़ो पे कर्म अपनों पे सितम, ए जाने वफा जुल्म न कर। मालूम हो कि मिस्र में पीएम मोदी जिस मस्जिद के भ्रमण पर गए हैं उसका भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से जीर्णोद्धार हुआ है। बता दें कि पीएम मोदी ने इस मस्जिद के नक्काशी की खूब सराहना भी की। इंदिरा सरकार में आपातकाल को लेकर बीजेपी नेता ने कही ये बात। भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में 170 बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाली कांग्रेस पार्टी आज संविधान बचाने की दुहाई दे रही है। इस पार्टी ने कभी संविधान को नहीं माना और राजा की तरह शासन किया। वहीं बिहार में लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टियों को लेकर उन्होंने कहा कि अराजकता का आलम यह था कि 2005 तक विपक्षी पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए 120 से 150 फीसदी तक वोट लाने पड़ते थे। वहीं कांग्रेस के इंदिरा गांधी सरकार के समय लगे आपातकालीन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इसकी चर्चा नहीं होगी तो नई पीढ़ी को पता नहीं चलेगा कि उनके बुजुर्गों ने कांग्रेस शासनकाल में कैसी बर्बरता झेली। इसी तरह वर्तमान पीढ़ी को 2005 से पहले के बिहार के बारे में भी नहीं पता है। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद द्वारा आपातकाल को लेकर कहा गया कि 25 जून 1975 के साथ भारत के लोकतंत्र का एक बहुत शर्मनाक काला अध्याय जुड़ा हुआ है। जब भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल लगाया गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा सारे नागरिक अधिकार छीन लिए गए, लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, अखबार की आजादी छीन ली गई। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर के जरिए केजरीवाल को बताया पीएम उम्मीदवार। अभी हाल में ही विपक्षी एकता की बैठक खत्म हुई, लेकिन इसे लेकर विपक्षी पार्टियों के बीच तकरार देखी जा रही है। दरअसल विपक्षी एकता की बैठक के लिए जब विपक्षी दलों के नेता पटना पहुंचे थे तो राहुल गांधी को रिसीव करने खुद नीतीश कुमार पहुंचे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन को रिसीव करने अन्य मंत्री पहुंचे थे। इसे लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। साथ ही पटना के सड़कों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं, जहां यहां साफ शब्दों में लिखा गया है कि सम्मान में भेदभाव क्यों। साथ ही ऐसे भी पोस्टर देखने को मिले जहां अरविंद केजरीवाल को 2024 का भावी पीएम उम्मीदवार भी बताया गया है। किशनगंज पुल मामले को लेकर जदयू नेता ने भाजपा नेताओं पर उठाए सवाल। किशनगंज में पुल धसने वाले मामले को लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बीजेपी नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों भागलपुर में पुल का एक हिस्सा गिर जाने पर इस्तीफे की मांग करने वाले बिहार भाजपा के नेता आज किशनगंज में निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होने पर मौन धारण क्यों कर चुके हैं। वे नितिन गडकरी से इस्तीफे की मांग करना कब शुरू करेंगे। इनका दोहरा चरित्र फिर से बिहार की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किशनगंज और कटिहार के बीच इस पुल का निर्माण हो रहा था, इसलिए भाजपा वाले को अब सांप सूंघ गया है। दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के विरोध में एक शब्द बोलने की साहस बिहार के भाजपा नेताओं में नहीं है। आगे उन्होंने भाजपा नेताओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा वाले सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। इनका जमीन मर गया या अपने मालिक की चापलूसी में नीति सिद्धांतों को भी दफन कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान पर कही ये बात। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी भी खींचतान जारी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता ने कांग्रेस के राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान पर बयान दिया है। आप पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मैं हमेशा देखता हूं कि राहुल गांधी प्यार की बात करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, इसलिए अगर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो जो भी उनके पास पहुंचेगा उसे वह प्यार मिल सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं,
नहीं है, इसलिए अहंकार का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में सबसे पुरानी पार्टी की सत्ता में लौटने पर वह अहंकारी हो सकते हैं। बता दें कि आप नेता ने यह बातें पटना में विपक्षी दलों की बैठक वाले दिन अध्यादेश में समर्थन पाने को लेकर आप पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई तकरार को लेकर कही है। सुशील मोदी ने लालू यादव और नीतीश कुमार के कांग्रेस के साथ जाने पर कसा तंज। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सरकार के समय में आपातकाल की घोषणा की थी। जब विपक्षी दलों की बैठक समाप्त हुई उसके बाद लगातार विरोधी पार्टी देश की जनता को आपातकाल की याद दिला रहे हैं। दरअसल यह आपातकाल साल 1975 में 25 जून को ही लगाया गया था। इस दिन को विपक्षी दल काला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसे लेकर सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज से 48 वर्ष पूर्व जिस कांग्रेस ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल घोषित कर जेपी चरण सिंह अटल जी जैसे नेताओं और 100,000 से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया, प्रेस सेंसरशिप लगाकर मीडिया का गला घोट दिया, उसी कांग्रेस की गोद में आज आंदोलन की तथाकथित सिपाही लालू प्रसाद नीतीश कुमार जाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस के सिद्धारमैया ने पीएम मोदी पर लगाए झूठ बोलने के आरोप। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अपने 40 साल के राजनीतिक सफर में अभी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखे जो झूठ बोलते हो। वहीं नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन के वादे पर सिद्धारमैया ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छे दिन का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अन्य चीजों के अलावा पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। आगे उन्होंने अपने जनसभा को संबोधित करते हुए यह दावा किया कि मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है और यह कर्नाटक चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है। जदयू के केसी त्यागी ने इस वजह से विपक्षी दलों को भाजपा से सीख लेने की दी नसीहत। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक जुलाई के दूसरे सप्ताह में शिमला में आयोजित होगी। इसे लेकर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने नसीहत देते हुए कहा कि विपक्षी दलों को भाजपा से सबक लेना चाहिए। आज की स्थिति में पहुंचने के लिए भाजपा को कई दौर से गुजरना पड़ा है। वक्त पड़ने पर उसने अपने प्रमुख मुद्दों को भी छोड़ने में हिचक नहीं दिखाई, चाहे अनुच्छेद 370 का मामला हो या राम मंदिर का। दोनों को हाशिए पर डालने से परहेज नहीं किया और जब बहुमत से सत्ता में लौटी तो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया। बता दें कि विपक्षी दलों के इस पहल को आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के रवैये ने थोड़ा आशंकित कर दिया है। इसे लेकर केसी त्यागी ने बीजेपी से सीख लेने को कही है। उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी की पुतिन से हुई तुलना। पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना के संपादकीय में तीखा प्रहार किया गया है। दरअसल इसमें लिखा गया है कि पुतिन की तरह मोदी को भी सत्ता से जाना होगा। पटना में वैगनर ग्रुप में यही तय किया है। आगे सामना में लिखा गया है कि आज पुतिन के देश में क्या हो रहा है। पुतिन की तरफ से अपनी सुविधा के लिए तैयार किए गए वैगनर ग्रुप नामक सेना ने ही पुतिन के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। रूस में विगत कई सालों में हुआ चुनाव सिर्फ छलावा था। पुतिन के लोग गड़बड़ी करके चुनाव जीतते रहे और उन्होंने संसद पर कब्जा हासिल किया। हिंदुस्तान में भी यही चल रहा है और लोगों के मन में क्रांति की भावना का निर्माण हो रहा है। आनंद मोहन ने बीजेपी पर साधा निशाना। जेल से निकलने के बाद सुर्खियों में बने बाहुबली नेता आनंद मोहन लगातार बीजेपी पर हमला बोलते नजर आते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि देश में एक निर्मा वॉशिंग पाउडर है और एक बीजेपी वॉशिंग पाउडर है। एक कपड़े को साफ करता है और दूसरा नेताओं को साफ करता है। आगे उन्होंने कुछ नेताओं के नाम बताते हुए कहा कि उन सब पर चार्जशीट है, लेकिन सभी बीजेपी में जाते ही उनकी छवि साफ सुथरी हो गई। आगे उन्होंने कहा कि हम भी निकलते हैं और कह देते हैं कि आपकी तरफ है, तो ये लोग कहते हैं कि देखो नायक आनंद मोहन आ रहा है। केजरीवाल की नाराजगी वाली बात को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कही ये बात। शिक्षक भर्ती के लिए लाए गए नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर काफी विरोध किए जा रहे हैं। इसे लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि नई नियमावली राज्य के हित में है और शिक्षक बेवजह इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे केजरीवाल के विपक्षी बैठक के दौरान नाराजगी वाली बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि किसी तरह की नाराजगी नहीं है। अध्यादेश का जो मामला है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया था, महागठबंधन उसके ऊपर विचार करेगी। अध्यादेश देश समाज और दिल्ली की जनता के हित में है। वहीं जब विजय सिन्हा ने लालू यादव को लेकर बयान दिए थे कि बीजेपी ने ही लालू यादव को पिंजरे में बंद किया था, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा का कद इतना ऊंचा नहीं हुआ है कि वो लालू प्रसाद यादव पर सवाल जवाब करें। पटना आए विपक्षी नेताओं पर इस वजह से हुई कार्यवाही की मांग। विपक्षी एकता की बैठक के लिए पटना आए कई विपक्षी नेताओं पर कार्यवाही की मांग तेज होने लगी है। दरअसल पत्र के माध्यम से सवर्ण क्रांति सेना नामक संस्था के एक सदस्य ने पटना ट्रैफिक पुलिस को कहा है कि 22 जून और 23 जून को पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक थी। इसमें देश भर से बड़े बड़े नेता आए थे। इन नेताओं ने धड़ल्ले से ट्रैफिक रूल्स की अवहेलना की, इसलिए इन सभी नेताओं पर फाइन लगाते हुए चालान काटा जाना चाहिए। साथ ही साथ शिकायत करने वाले यह तक दावा किया है कि नेताओं के बगैर बेल्ट वाली तस्वीर भी उनके पास जो मांगे जाने पर पेश करेंगे।
बीजेपी नेता ने सीएम नीतीश को लेकर दिए विवादित बयान। अक्सर नेता राजनीति में एक दूसरे पर ऐसी बयानबाजी करते हैं कि वे विवादों के लपेटे में आ जाते हैं। अब इसी बीच बीजेपी के नेता जीवेश मिश्रा ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि नीतीश कुमार सगाई कहीं और शादी कहीं और करते हैं और सुहागरात कहीं और मनाते हैं। आगे उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर कहा कि विपक्षी एकता की मुहिम में धीरे धीरे सभी नीतीश का साथ छोड़कर चले जाएंगे, आखिर में वे अकेले बच जाएंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश को लेकर सवाल न करें तो बेहतर होगा। बिहार की जनता ने उनके कई बार पलटते बदलते और कभी कभी लटकते हुए भी देखा है। अभी वे लटकते हुए सरकार चला रहे हैं। उनके भाग्य का फैसला 2024 में भारत की जनता करेगी। 2025 तक उनका कोई विधायक बिहार में नहीं रहेगा। राजद के नेता ने लालू यादव को लेकर कह दी ये बात। पक्ष हो या विपक्ष, सभी दलों के बीच विपक्षी एकता को लेकर चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार महागठबंधन पर हमलावर है, वहीं विपक्षी दल एकता के कवायद में लगे हुए हैं। अब इसी बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी लालू यादव ने पिंजरे में डाला था। बीजेपी के लोगों ने उसका बदला लिया था, लेकिन हम लोग बदला नहीं लेते हैं। उस समय देश की हालत बहुत खराब थी, पूरे देश में उन्माद फैलाना चाहते थे। लालू यादव ने देश को बचाया। आज भी लोग कहते हैं कि लालू यादव के आभारी हैं। लालू यादव कभी देश के खतरा नहीं बने। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, अनु गोल कुमार, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो, अजीत पोरस, रविशंकर। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या बीजेपी के अच्छे दिन के वादे सफल रहे हैं? आप जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।